नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी छत्तर न्यूज़ खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। दोस्तों, खबर जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी छत्तर न्यूज़। आज देखिए फरुखाबाद खबरें। पहली खबर फरुखाबाद से, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वरुणजीत उर्फ वीरू यादव के संरक्षण में बनाए गए छात्र एकता संगठन ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी के दौरान बंद स्कूलों के बावजूद भी अगर विद्यालयों द्वारा फीस वसूली गई तो वह बृहद छात्र आंदोलन होगा। इस संदर्भ में पांचाल घाट स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम के प्रांगण में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने एकत्रित होकर कहा कि महामारी के कारण अभिभावक वैसे ही परेशान हैं, उस पर भी जबरदस्ती फीस की वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए शासन प्रशासन के पास ज्ञापन भेजे जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन होगा। किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना संगठन चलाया जाएगा, ये बात वीरू यादव ने कही। इस मौके पर अजय मारवाड़ी, सोनू शुक्ला, रमन शर्मा सहित तमाम छात्र। तो आइए रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। नवनिर्मित मकान में शौच से मना करने पर दबंगों ने युवती को पीटा, और ये खबर है नवाबगंज से हमारे संवाददाता शैलेश कुमार पांडे की। थाना क्षेत्र के गांव नया गनीपुर निवासी शवाना बेगम पत्नी शौकत अली बंजारा अपने थाना पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बीती शाम उनकी पुत्री अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी उसी समय उनके गांव का मुन्ना भारती बंजारा उनके नवनिर्मित मकान की नींव पर बैठकर शौच कर रहा था, जिसका पीड़िता ने विरोध किया तो उक्त दबंग ने पीड़िता के साथ मारपीट की तथा बचाने आए पीड़िता के साथ व पुत्री को भी जमकर पीटा, जिसकी पीड़िता ने नामजद आरोपी मुन्ना बंजारा पुत्र भारती बंजारा तथा उसकी पत्नी नाम अज्ञात के विरुद्ध थाने में तहरीर दी। थाना पुलिस ने पीड़ित युवती को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, अब हम आपको देते हैं आगे की खबर। तो आइए अब देखते हैं तीसरी खबर। ये खबर है मीरापुर की, हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार की। बालक की भूमि कब्जे को लेकर नागमू दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में आरोपी परिवारी चाचा ही कातिल निकला। थाना क्षेत्र के ग्राम दहलिया निवासी धर्मेंद्र के 4 वर्षीय पुत्र ऋतिक की हत्या कर शव घर के पीछे फेंक दिया गया था। पिता ने परिवारी भाई हरेंद्र के खिलाफ हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। कई दिन चली जांच के बाद आखिर पुलिस ने सोमवार को आरोपी हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। हरेंद्र ने बताया कि उसके अविवाहित चाचा हरिश्चंद उनके पास रहते थे। उनके पास 8 बीघा भूमि है। बीते लगभग 1 महीने से वह धर्मेंद्र के घर पर रह रहे थे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे शक हो गया कि वह हरिश्चंद अपना खेत धर्मेंद्र को देंगे, जिसकी खुन्नस में आरोपी ने मासूम की नाक मुँह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद मासूम को साइलेंसनस को जला दिया, जिससे किसी को शक ना हो, लेकिन पोस्टमार्टम में राज खुलने के बाद पुलिस ने आरोपी हरेंद्र को दबोच लिया। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब रुख करते हैं चौथी खबर की ओर, और ये खबर है कमालगंज की, हमारे संवाददाता कलीम खान की। भाड़े पर तय करके लाए गए ट्रैक्टर ट्राली को लुटेरों ने ट्रैक्टर स्वामी को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूट लिया। होश आने पर पीड़ित ने थाने जाकर सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की। पड़ोसी जनपद कन्नौज थाना तालग्राम के गांव भुलानी के रहने वाले देवेंद्र सिंह यादव पुत्र रामचंद ने आज हमेशा होश आने पर पुलिस को बताया कि उसका नया ट्रैक्टर व ट्राली है। कुछ लोगों ने उसके पास आकर 4,000 रुपये भाड़े के तौर पर ट्रैक्टर ले जाने की बात कही, जिस पर देवेंद्र सिंह अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर कमालगंज क्षेत्र के गांव हाजी नगला के पास बुलवाया, कहा कि बुलबुल कोल्ड स्टोर से आलू लाद कर ले जाना है। ट्रैक्टर कोल्ड के मैन गेट के पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद लुटेरे कोल्डिंग में नशीला पदार्थ लेकर आए और देवेंद्र सिंह को पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। लुटेरे ट्रैक्टर ट्राली को लेकर फरार हो गए। कल 11 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। देवेंद्र सिंह रोड किनारे बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहा। आज होश आने पर उसने सूचना पुलिस को दी। थाने में तैनात दरोगा संजय यादव ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की।
पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर ट्रैक्टर ट्राली बरामद कराए जाने की गुहार लगाई। वहीं सूचना मिलने पर पीड़ित देवेंद्र सिंह के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बताया गया कि लुटेरों के बारे में देवेंद्र सिंह अभी कोई जानकारी नहीं दे सके क्योंकि वे अभी भी नशे की हालत में हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।